अभी तो खाना खाएंगे, चाय पियेंगे, तभी वो अरे ये वाइपर तो ऊंचा किया नहीं, वो वाला ये की किया। तुमको याद रखेगा, मैं थोड़ी ना गाड़ी चलाती हूँ। आपने कवर स्टोर में बदल दिया आत्मनिर्भर भारत। घंटी में काम किया, ऐसा हो गया उसके बाल भी बुरे। ये पूरा एरिया जो है नर्मदा संगम ही लगता है। तरफ आपको भावनगर मिलेगा। Don't shut the window while they say they go where they go. I think I'm too old for some things, and I know I'm just a ghost. And they play around for these days. स्वागत है दोस्तों एक और नए व्लॉग में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अभी मौसम काफी अच्छा हो गया है, ठंड भी थोड़ी थोड़ी अभी चालू हो गई है, ज्यादा नहीं है बट इतनी काफी है कि मतलब अच्छा लगे मौसम। बाकी सुबह तो थोड़ा फॉगी वेदर हो गया था इधर, बट अभी ठीक है, थोड़ा नॉर्मल हो गया है। पर अभी भी जैसे ठंड चाहिए ना वैसी वाली ठंड अभी भी नहीं गिर रही है। दिसंबर एंड के बाद शायद अच्छी वाली ठंड हमको मिले, क्योंकि नॉर्थन एरियाज में काफी बर्फ गिर रही है, तो हो सकता है कि यहाँ पे अभी ठंड का जोर और बढ़े, तो देखते हैं। वैसे आज मैंने एक प्लेस डिसाइड किया जाने का, वहीं पे हम लोग जाने वाले हैं। आपने थंबनेल में और देख ही लिया होगा कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। बहुत टाइम पहले मैं गया था वहाँ पे, काफी टाइम हो गया, शायद मेरे ख्याल से 9 साल ऊपर हो गया मुझे वहाँ गए हुए। और आज निशु और मम्मी को भी साथ, मम्मी का पता नहीं आएगी या नहीं, बट निशु और हम लोग जाने वाले हैं वहाँ पे। शायद हमारे साथ रुद्र ज्वाइन कर सकता है, निशु को, निशु की मौसी का लड़का जो है उसका घर बीच में आता है, तो उसको पिकअप कर लेंगे वहाँ से। अभी तो प्लान ये अचल गया है नाश्ता लेने के लिए, अपना गुजराती ट्रेडिशन पापड़ा और जलेबी, जो जेठालाल का हमारा सबसे फेवरेट नाश्ता है। अपना संडे अभी उसी से शुरुआत करते हैं, उसके बाद हमें थोड़ा गाड़ी वॉश करना है, वो भी मैं पहले वो काम खत्म करना पड़ेगा क्योंकि काफी गंदी हो गई गाड़ी। जो भी होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपना नाश्ता लेके आ गया अचल, जैसे जेठालाल को मिलता है वैसे ही। इनकी पिंकी पंकी भैया, मैं तो टूट गया। तो जी अपना नाश्ता इधर रेडी हो गया है, एक नंबर। ये अपनी जलेबी और ये अपना पापड़ा, ये पपाया का जो सांबर सांबर रहता है वो, और ये ग्रीन चटनी है, और ये अपनी पापड़ा के साथ खाने वाली चटनी है। अभी मॉर्निंग हुआ है, मॉर्निंग रहा बेटा मुझे। अभी तो खाना खाएंगे, चाय पियेंगे, तभी अच्छी वाली मॉर्निंग होगी। ऐसा मत करो मेरी जान। हाँ जी, तो अभी गाड़ी धोने के लिए हम लोग आए हैं अपने बेसमेंट में, थोड़ी सी डस्टिंग वाली हो गई थी, ये पोपट भी पड़ा हुआ है। अभी नीचे सर हमारी हेल्प करेगी गाड़ी धोने में, ज्यादा मैं कुछ धोता नहीं हूँ, बस थोड़ा ऊपर ऊपर से ही धोगा, बाकी पूरी गाड़ी भी धुलवाने की हो गई है। नीचे भी, नीचे की साइड भी थोड़ा सा वो कीचड़ लगा हुआ है, तो वो सब प्रॉपरली साफ करवाना पड़ेगा। वाइपर तो ऊंचा किया नहीं, वो वाला ये की किया, वो तुमको याद रखेगा, मैं थोड़ी ना गाड़ी चलाती हूँ। तो मैं चलाती नहीं हूँ, फिर भी मेरे को साफ करना पड़ रहा है, मैं क्या करूँ। तो क्यों बैठती नहीं हो क्या? नहीं, मैं नहीं बैठती। तो कौन बैठता है? तुम। तो तुम क्या उड़ के जाती हो? मेरे पास हवाई है, तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, पंख है, हवाई है, हवाई हवाई है, हवाई मतलब हवा है उसके पास।
लाओ चलो पानी डालो अभी। लेडीज लोग के साथ काम लेना मतलब वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, क्या मेरे को क्या मालूम तुम्हारा माइंड में क्या चल रहा है। ये सब है ना धतीन बहुत अधरा है, मतलब खुद से करना बेटर रहता है ऐसा मुझे लगा है। तो बढ़िया ही है ना, खाया पिया कुछ नहीं, बिल फटा मेरे नाम ले बस। हाँ जी, तो हमारी गाड़ी हमने चमका दी है एकदम चकाचक, पानी का रंग देखिए अब बस। निशु की मेहनत भी है भाई इसमें, अकेले मैं नहीं हूँ। अपना यूट्यूब सिंबल काफी मस्त लगा। तो जी यहाँ पे पहले पीओपी था, अभी उसकी जगह हमें यहाँ मिरर लगाना है। तो ये जो सब ये कलर निकल गया है और ये सब है, उसके लिए हम व्हाइट सीमेंट और कलर लेने जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा कलर लेते हो, क्या करते हैं, आप देख ही सकते हैं इसकी हालत। तो मैं और अचल कलर लेने जा रहे हैं, चलो मिलते हैं वहाँ जाके। तो जी हमने यहाँ से कलर ले लिया है, मैंने आपको दिखाया, और ये हमारी राम प्यारी धन्नो। ऐसा मत करो मेरी जान। तो अभी हम घर पे जाके आपको तो अपना कारीगर लग चुका है काम पे, पूरी फिनिशिंग में लगा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे लगा था पीओपी का जो स्ट्रक्चर था वो पूरा तोड़ दिया, तो यहाँ पे मिरर आएगा इसके, अभी वो जो लगा हुआ है ये भारी वाला इसको तोड़ के फिर यहाँ पे अच्छे से कलर लगा देंगे तो फिनिशिंग अच्छा आएगा, इसलिए अभी ये चीज हम घर पे ही कर रहे हैं। बाकी ये डिब्बा तो लेके आए है कलर का, तो इधर अपना कवर्सर में बदल दिया, आत्मनिर्भर भारत चल रहा है। असल का पीछे आपको डैंड्रफ दिख रहा होगा, वो डैंड्रफ नहीं है वो उसकी मेहनत है। वो भी घंटी में काम किया, ऐसा हो गया वो, उसके बाल भी पूरे ये ऐसे, उंगली भी सब वाइट हो गई है। अभी आत्मनिर्भर भारत है, अपनी नीसू भी व्हाइट सीमेंट खुद ही से चौपड़ रही है भाई, मेहनत है भाई मेहनत है। और इसे ऐसा ग्वाजा लगता है वो। नीचे देखो कैसा कचरा किया है, पेमेंट अभी पेमेंट नहीं दिया है, पेमेंट नहीं मिलेगा, ये सब उखाड़ के घर ले जाएंगे हम लोग भाई। मजाक है क्या, कोई पानी पूछने भी नहीं आया भाई, को फाफड़ा तो खवाया, वो भी मैंने लेने गया था। हाँ वो भी अच्छा, हम लोग घर से निकल गए अभी दहेज जाने के लिए, थोड़ा सा लेट ही निकले क्योंकि घर का भी काम सब बाकी था, इसलिए थोड़ा लेट निकले। अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वो गुड्स ट्रेन के लिए बनाई गई है, जो कि अलग से पटरी गुजरती है, ये वही जगह है। ये नीचे वाला जो रोड है वो दहेज के लिए जाता है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये अपना एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, और ये गुड्स के लिए बनाया गया है, ये वही रेल रूट है जो अभी वर्किंग में नहीं है बट जल्दी वो चालू होगा। तो नज़ारा काफ़ी अच्छा दिखता है यहाँ से। काफी टाइम से सोच रहा था कि जब भी इधर आऊँ तो मतलब सीधा चला जाता था, प्यास सोच लिया कि भाई आज तो जाना ही जाना है, सीधा ऊपर आ गया। अपनी गाड़ी इधर नीचे रखी, निशु और मम्मी उसके अंदर ही है, बाकी नजारा मस्त है यहाँ से। सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं वो बुलेट ट्रेन का स्टेशन आएगा उस साइड पे, ये गुड्स का रेल है और ये एक्सप्रेस है, यहाँ पे टोल टैक्स भी बनाया गया है। ये इसका नीचे की तरफ का एरिया है, ये अपना दहेज भरूच हाईवे, ये पूरा स्ट्रक्चर एक बार में लगाया गया था और करीबन 15-16 दिन लगे थे इसको बिठाने में, बहुत ट्रैफिक रहता था उस टाइम पे।
हाँ जी, तो हम पहुंच गए दहेज पोर्ट पे। एक्चुअली पोर्ट और लग जाता है, अभी हम आए जेटी पे। यहाँ पे नर्मदा परिक्रमा जो करते हैं उनके लिए स्पेशली मोदी ने बनाया, तो इसको आपको बोर्ड दिखाते हैं, आप पढ़ लीजिए। ये जो जगह बनाई गई वो जेटी कहते हैं, आपको वीडियो में दिखा होगा, मिशन आपको दिखाया गाड़ी से जब हम आए, तो लाइन आपको दिख रही होगी। तो ये अभी अभी स्पेशली बनाया गया है। काफी खूबसूरत है जगह। ये पॉट है, स्टीमर्स वगैरह रिपेयर के लिए इधर आती है, फिर इधर से लॉन्च की जाती है। एक्चुअली इधर ज्यादा पानी नहीं रहता है ज्यादा कुछ, बट अडानी का पॉट है ना वो उस साइड है, उस साइड है, और उसी साइड भावनगर की लाइट्स दिखती है। अभी विंटर चल रहा है इसके लिए ये वाइट जो आपको दिख रहे है वो बर्ड्स, ये विंटर में ही आते हैं इधर, काफी तादाद में है इधर। देखिए कितने सारे, बहुत ही मस्त है। मम्मी भी नजारे का मजा ले रही है। कैसा लगी जगह? बहुत अच्छी है, मस्त है, मस्त है। मैं तो पहली बार आई। हाँ मम्मी तो पहली बार आई है, मैं इधर पहले भी आ चुका हूँ, बट ये जेटी पे पहली बार आया। मैं एक अलग लोकेशन पे गया था, अपने जो पीयूष भाई है उन्हीं के साथ आया था, काफी टाइम हो गया, वो भी 8-9 साल हो गया। लेकिन ये जो जेटी बनाई गई ये स्पेशल परिक्रमा वासी के लिए बनाई गई। याद हो तो हम लोग गए थे बम्बलेश्वर, अपने भगवान से गए थे नर्मदा का संगम, तो ये भी अपना नर्मदा संगम ही लगता है। तो वो बोट वहां से आपको इधर आपको छोड़ती है, तो जो भी लोग होते हैं वो इधर आते हैं। कहाँ पे आपको ड्रॉप करते हैं वो मैं आपको जगह दिखाता हूँ। तो ये जो स्टेशन दिख रहा है ये वाला, इधर ही परिक्रमा वासी को उतारा जाता है। छोटा सा ही, मतलब शांत बिल्कुल रहता है, पर देखने में बहुत जबरदस्त है। अरे बाबरे सब छूटे कर दिए है। थोड़ा इन्फॉर्मेशन अगर दिखा दूं तो ये पूरा एरिया जो है नर्मदा संगम ही लगता है। यहाँ से प्रॉपर दरिया लग जाता है, और यहाँ से इस साइड अगर आप जाओगे तो बम्बलेश्वर आपको मिलेगा इस साइड की ओर। बाकी यहाँ से सीधा पूरा दरिया लग जाता है, और इस तरफ आपको भावनगर मिलेगा। अगर यहाँ से सीधा जाओगे करीबन 30 किलोमीटर पड़ता है। हाँ जी, तो हमारा इधर आना सफल हुआ, काफ़ी टाइम बाद हमारी इच्छा पूरी हुई। काफ़ी टाइम से इधर आना था, तो आज हमारा मेड़ पड़ा आखिर में। मम्मी को भी देखना था, वो कभी दहेज नहीं आई थी, तो आज उसने दहेज भी देख लिया। एक्चुअली ये पूरा एरिया इंडस्ट्रियल बन चुका है, आगे से लेकर पीछे तक पूरा दहेज, आसपास के करीबन 10 से 15 गाँव इंडस्ट्रियल जोन में अभी समा चुके हैं। क्या कर सकते, मोदी का विकास है भाई, कुछ बोला नहीं जा सकता। बाकी इधर अदानी से लेकर अंबानी तक की कंपनी इधर मौजूद है, आप समझ सकते हो। घर आ गए हैं, तो आज बहुत मजा आया, मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा। दहेज दहेज एक्चुअली एक इंडस्ट्रियल जोन है, और काफी टाइम से मतलब डेवलप होते होते आ रहा है, तो पूरा जो भरूच है वो एक तरह से दहेज के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी मेजर इंडस्ट्रीज हमारे दहेज में मौजूद है, और स्पेशली नर्मदा संगम जो है वो बहुत खास है इधर। तो नर्मदा परिक्रमा वाले जो है वो इधर काफी सारे आते हैं, क्योंकि उनकी परिक्रमा यहीं से समाप्त होती है। तो काफी मजा आया वो सब। तो कभी आपको भी अगर विजिट करना हो तो आप भी विजिट कर सकते हैं। किसी को भी अगर आप पूछोगे तो वो बता देगा कि कैसे आप इस जेटी तक जा सकते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्ण।